लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। सेरेगढ़ा ग्राम में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी के घर की गई कुर्की जब्ती। खबर लातेहार जिला के बालूमा से, जहां बालूमा थाना पुलिस ने मंगलवार को थाना क्षेत्र के सेरेगढ़ा ग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की। उक्त आरोपी सेरेगढ़ा ग्राम के बाजार टाण मोहल्ला का निवासी है, जिसके विरुद्ध बालूमा थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 376 एवं पास्को एक्ट के तहत कार्ड संख्या कार्यवाही संख्या 194/2021 दर्ज की गई थी। इसकी जानकारी देते हुए बालूमा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक सह अनुसंधानकर्ता कुबेर साव ने बताया कि आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए इसके पूर्व 28 मार्च 2022 को उसके घर ढोल बजाकर इश्तहार चिपकाया गया था। उसके बाद भी नामजद आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया और उसकी गिरफ्तारी को लेकर थाना पुलिस कई बार छापेमारी की, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से हमेशा बाहर रहा। जिसे देखते हुए लातेहार की माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेशानुसार यह कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस अवर निरीक्षक समेत कई सशस्त्र पुलिस बल के जवान भी इस सक्रिय भूमिका में मौजूद रहे। प्रफुल्ल पांडे की रिपोर्ट। चार वर्ष की बच्ची को बलात्कार करने के आरोप में सेरेगढ़ा निवासी मोहम्मद अली उर्फ गोल्डन, पिता मोहम्मद हकीम के विरुद्ध थाना कांड संख्या 194/2021 दिनांक 14/9/2021 दर्ज किया गया था। ये पिछले 10 महीने से फरार चल रहे थे। इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा इनके विरुद्ध कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया था। कल इनके घर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई।